नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। दंतेवाड़ा कोतवाली पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर, नदी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाई जान। दंतेवाड़ा के जंकनी शंकनी नदी के संगम में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से बाढ़ के तेज बहाव से बहकर 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसी महिला को दंतेवाड़ा कोतवाली पुलिस एवं टीम ने तेज बहाव से लाइफ जैकेट के सहारे बचाकर युवती को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राज नाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राहुल उएके की मार्गदर्शन में क्षेत्र में अधिक वर्षा एवं बाढ़ स्थिति में सतत निगरानी एवं तत्काल कार्रवाई के निर्देश के तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस दंतेवाड़ा ने फिर से एक बार अपनी मानवता का परिचय देते हुए नदी में बहती महिला की जान बचाई। ग्रामीणों से कोतवाली प्रभारी विजय पटेल को सूचना मिली कि एक युवती नदी के बीच धार में झाड़ियों के सहारे फंसी हुई है। उसकी सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर तेज बहाव में फंसी महिला को लाइफ जैकेट और रस्सी के सहारे जवानों ने नदी में घुसकर युवती को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाए। महिला फूलमती यादव नदी में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से नदी के पानी में बह गई। समय पर तत्काल रेस्क्यू कर महिला की जान बचाई है, जिसमें कोतवाली प्रभारी TI विजय पटेल, ASI बरगे कविता नाग एवं सिपाही घनश्याम दुग्गा, केशव पटेल, रजनी बघेल एवं पेट्रोलिंग टीम का विशेष सहयोग रहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।